मेहरबानी, शुक्रिया। देखें, बात यह है कि हम जो हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वतन से बहुत दूर तकरीबन 25-30 साल हम रहे हैं, और मेरे 5 बेटे हैं, और मेरे बेटों की और मेरी फैमिलीज़ की सब की यही ख्वाहिश थी कि शादी जो है वो इस तरीके से की जाए कि जो यादगार बनाई जाए। किसी की कोई डिमांड नहीं थी, बस हमारी अपनी ख्वाहिश थी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी और मेरी फैमिली की ख्वाहिश थी, और वो अल्लाह ने पूरी की है, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हर माँ बाप अपनी औलाद के लिए अच्छी तमन्नाओं और उनकी दुआओं के लिए तलबगारत है। और मेरे जो दूसरे बेटे हैं उनसे ये छोटा है, और सब बेटों की ये ख्वाहिश थी कि ये हमारा छोटा भाई है, इसके लिए कुछ ऐसा किया जाए जो यादगार रहे हमारे लिए, हमारी फैमिली और मुल्क और हमारे सिटी मंगवाल के लिए। हेलीकॉप्टर का रेंट जो $15,000 था, और ये इस्लामाबाद से जो प्रिंस जेट वाले हैं उस कंपनी से मैंने हासिल किया। ये हेलीकॉप्टर के मुख्तलिफ पैकेज होते हैं, तो हमने जो $15,000 का पैकेज डिसाइड किया था उसमें यह था कि हमको लेके भी जाना है, और वहाँ से जो हमारी बहू है बेटी है उसको लेके भी आना था। जब तो हम स्टार्टिंग में 89 गए हैं वहाँ, तो फिर जैसे हालात होते हैं, इंसान पहले अकेला जाता है, फिर वो अपनी मेहनत मजदूरी करता है अल्लाह की मदद से और कामयाबी की तरफ जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कुछ 5 ईयर हमने जो है ना 5 ईयर हमने मजदूरी भी की है, उसके बाद फिर अल्लाह ने मदद की। तो अपना हमारा छोटा सा एक सेटअप है, बिज़नेस है, वह कारपेंट्री वर्कशॉप है और बिल्डिंग लैंड का हम कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और कुवैत में मैं मुकीम हूँ। तकरीबन देखिए मुझे तो 1 साल से ज़्यादा हो गया जी इस तैयारी में, और जो दूसरी मेरी फैमिली है, मेरी मिसेज हैं, जो मेरी जो दूसरी बेटे बेटियाँ हैं, उनको आए तकरीबन 5-6 महीने हो गए हैं, और तकरीबन हम 5-6 महीने में ये तैयारी कर रहे थे और इसका मेंटेन कर रहे थे, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये पाई तकमील तक पहुँचा है। पाकिस्तान में आके और अपने सिटी मंगवाल में ये जो हेलीकॉप्टर फ्लाई हुआ, तो मुझे बड़ा फख्र, मुझे बड़ा मान महसूस हुआ कि आसपास के लोग और जो जितने कंट्रीज़ वाले हैं या जितने सिटीज़ वाले हैं वो देखेंगे कि माशाल्लाह ये मंगवाल से जो ये हेलीकॉप्टर फ्लाई हुआ है, और मेरे गांव का, मेरी सिटी का नाम मशहूर होगा, मेरी सिटी का नाम जो है वो अच्छे लफ्ज़ों में और यानी एक तारीख रकम करेगा। सबसे ज़्यादा मुझे ये खुशी हुई, ताकि कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है जो अल्लाह ने मेरी ना पूरी हो की हो औलाद के सिलसिले में, लेकिन मुझे आखिरी ये अपने बच्चों की, अपने बेटों की ये आखिरी शादी में अगर कमी महसूस हुई है, तो सिर्फ जो दो मेरे बेटे फैसल एजाज़ और सिकंदर एजाज़ जो आउट कंट्री में हैं वो मेरे साथ शामिल नहीं हो सके, मुझे यही कमी महसूस हुई है। इसके 30 साल मैंने ओवरसीज़ पाकिस्तानी रहा हूँ, 30 साल मैंने इतनी यानी मेहनत की अपनी फैमिली के साथ, ये मेरे बच्चे उधर ही पैदा हुए और उधर इन्होंने काम किया और उधर ही सेटल हुए। मेरा एक बहुत लंबा प्रोसीजर है जो हर आदमी नहीं कर सकता। जो जज्बात साढ़े शादी जो हुई थी करने मंगनी की थी ना, साढ़े उदू के जज्बात अंदर ना सी जमा करते रहे सी, भाई भी पापा भी सब लोग, पर मेरी खास ख्वाहिश थी कि मैं अपने बेटे की हेलीकॉप्टर की बरात लैके जावा। चीज़ ऐसी होंगी है कि जी रब तो सुवा कोई जानता नहीं, ठीक है, कि ये रब जानता है कि मैं अपने बेटे को कितना प्यार करनी आ जा कितनी दुआएं देनी आ। ये हर माँ की ख्वाहिश होंगी है कि अपने बेटे वास्ते दुआ भी करना, उसके वास्ते अच्छी ख्वाहिश भी रखना, हर माँ बाप का ही दिल होंगे। मेरी दुआ है अपनी बेटी के लिए भी कि अल्लाह तबारक तआला उसको लिए भी जो अच्छे उसके जो मुकद्दर हैं, जो भी उसके मामलात अल्लाह के सुपुर्द हैं जी, मुझे अल्लाह पे उम्मीद है कि इंशाल्लाह तबारक तआला वो सब के लिए अच्छा करने वाला है कारसाज। माशाल्लाह, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। बाकी माशाल्लाह मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ, और बहुत माशाल्लाह एक हसीन और ख़ूबसूरत प्रोग्राम हो गया शादी का। और बाकी ये मैंने उस दिन भी बताया था कि माशाल्लाह से ये एक मेरे भाइयों का, मेरे माँ बाप का और ये इन सब का एक प्रोग्राम था कि मैं सबसे छोटा हूँ, तो कुछ एक यूनिक चीज़ हो शादी में और एक लाजवाब हो, जो मतलब एक लोग देखें तो देखते रह जाएं, तो ऐसे एक प्रोग्राम हुआ, ये समझेंगे मेरे माँ बाप और भाइयों की मेरी बदौलत ये सब अंजाम हुआ है। दुल्हन भी मैं कह सकते हैं कि बहुत हैरान और खुश थी, वो भी बहुत ज़्यादा खुश थी, वो भी बल्कि वो भी खुशकिस्मत है, मैं भी खुशकिस्मत हूँ। जो कुछ आप कहना चाहेंगे वालदैन के लिए, मैं जितना भी उनका शुक्र अदा करूँ कम है, बहुत कम है। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आई लव यू बाजी, आई लव यू टू, आई लव यू माँ जी। तो फ़िलहाल यही है कि मैं अपने माँ बाप को एक दफ़ा उम्रा करवाऊँ अपने ज़ाती पैसों से, अखराजात अपनी क्यों उठाऊँ उम्रा करने के, बस ये आखिरी ख्वाहिश रहेगी।
कि अल्लाह हमारे मुल्क में ऐसे वसाइल और ऐसे मादनियात और ऐसे मामलात पैदा फरमा कि हमको बाहर या गैर मुल्कों में धक्के नहीं खाने पड़े। बात यह है कि जो हकीकत बात है ना, हम वो करेंगे क्योंकि मुल्क भी हमारा है, अवाम भी हमारी है, हम भी मुल्क के हैं, हुकूमत है या अवाम है, सब हम एक ही हैं। मसला यह है कि यानी हमने इतना 30-35 साल प्रदेश काटा और पाकिस्तान में हमारी कोई वैल्यू हमें नज़र नहीं आई। आज का जो नया पाकिस्तान है, माशाल्लाह अल्लाह तबारक तआला ने हर आदमी को गाड़ियाँ और बहुत सारी सहूलतें दी हुई हैं। जब जिस दौर में हमारी शादी हुई थी तो उस वक्त चार भाइयाँ होती थी और फूड होते थे, नीचे बैठ के खाना वगैरह शादियों का दिया जाता था। और इसी तरह सेम मेरी भी जब शादी हुई तो मैंने बड़े शौकिया तौर पे पैंट शर्ट पहनी और जब ससुराल गया तो उन्होंने फूड़ों पे नीचे खाना दिया तो सब लोग बैठ के खा रहे थे और मुझसे बैठने भी नहीं हुआ। और उस वक्त का जो सादा दौर था हमने वो भी देखा है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दिल खुश है कि हमारे मुल्क में अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे घरों में जो खुशहालियाँ दी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह, आज तो जो सहूलतें हैं बहुत ज़्यादा हैं। सारी बारात एक डब्बे में होती थी, एक कोशिश की जाती थी कि सबसे बड़ी गाड़ी लाई जाए ताकि उसमें जितने भी ज़्यादा जो बराती हैं वो इकट्ठी हो जाएँ। और उस वक्त सबसे जो ज़्यादा रिस्पेक्ट दूल्हे को दी जाती थी उनके लिए कार का जो बंदोबस्त किया जाता था। फिर तो हम अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करते हैं जिन्होंने हमें यह तौफीक दी। और दूसरे नंबर पर हम अपने माँ बाप का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करते हैं कि जिन्होंने हमारा साथ दिया और हमारा सहारा बने चीज़ में। हमने किसी को दिखाने के लिए ना किसी को जलाने के लिए ना काम किया, ये हमने सिर्फ अपनी एक खुशी और अपना एक प्यार दिखाने के लिए उसको ये इजहार किया है कि हम हाल की हिस्ट्री में ऐसा कुछ किया जाए जो दुनिया एक चीज़ को याद रखें। तो अल्लाह का शुक्र है हमारे माँ बाप ने हमारा साथ दिया और हम लोगों ने हेलीकॉप्टर पर इसकी बरात लेके गए और हमें बहुत ज़्यादा खुशी है इस चीज़ की।